नमस्कार, मैं राजकुमार सर, और आज मैं ए लेटर टू गॉड का जो रेस्ट स्टोरी है उसे इस वीडियो में कंप्लीट करूँगा। इसके पहले दो वीडियोस अपलोड किए गए हैं जिसे आप फिर से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्टोरी का पार्ट टू है और पैराग्राफ 7 है। बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, that is help from God. घाटी के बीच में जो सिंगल घर में रहते थे लेंचो के परिवार के सभी सदस्यगण, वहां उन्हें एक ही उम्मीद थी, और वह उम्मीद थी भगवान की मदद। नाउ पैराग्राफ 8। डोंट बी सो अपसेट इवन दो This seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. भले ही यह टोटल नुकसान की तरह लगता हो, इससे इतना परेशान मत हो। याद रखें, कोई भी भूख से नहीं मरता। Now paragraph 9. That's what they say. No one dies of hunger. यही वे लोग कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep, in one's conscious. रात भर लेंचो केवल एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा, और वह उम्मीद भगवान की मदद की थी, जिसकी आंखें जैसा कि उसे निर्देश दिया गया था कि सब कुछ देखो कि एक व्यक्ति के विवेक में गहरा क्या होता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेंचो एक हार्ड वर्किंग मैन था जो खेतों में जानवरों की तरह काम करता था, लेकिन फिर भी वह लेटर लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। अगले रविवार मॉर्निंग के समय उन्होंने एक पत्र लिखना शुरू किया जिसे वह खुद शहर में ले जाकर मेल में ड्रॉप कर दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। यह ईश्वर के लिए किसी पत्र से कम नहीं था। Now paragraph 10. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. लेंचो ने लेटर पर गॉड लिखा और बोला, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रहेंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again. And to live until the crop comes, because the hail storm ... मुझे अपने खेत को फिर से बोने और फसल आने तक जीने के लिए 100 pesos की जरूरत है, क्योंकि ओले ने मेरे सारे फसल को बर्बाद कर दिया है। Now paragraph 11. He wrote to God on the envelope, put the letter inside. And still troubled, went to town. लेंचो ने लिफाफे के ऊपर टू गॉड लिखा और लेटर को एनवेलप के अंदर पैक कर दिया, और अभी भी परेशान होते हुए शहर की ओर चला गया। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. पोस्ट ऑफिस में लेंचो ने पत्र पर एक पोस्टल स्टैंप पेस्ट किया और इसे मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया। नाउ पैराग्राफ 12। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टिली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। कर्मचारियों में से एक कर्मचारी जो एक डाकिया था, जो डाक घर में भी मदद करता था, वो अपने मालिक
इट मीन्स पोस्टमास्टर के पास जोर जोर से हंसते हुए गया और भगवान को लिखा हुआ पत्र उसे दिखाया जो लेंचो के द्वारा लिखा गया था। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। पोस्टमैन को अपने करियर में कभी भी उस तरह का एड्रेस लेटर पे नहीं मिला जो गॉड को लिखा गया हो। द पोस्टमास्टर अ फैट एमिएबल फिलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड व्हाट फेथ आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। पोस्टमास्टर एक मोटा फ्रेंडली और ओनेस्ट साथी था। पोस्टमैन की बात सुनकर पोस्टमास्टर भी अपने लाफ को इट मीन्स हंसी को रोक नहीं पाया और वह भी जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन लगभग तुरंत ही वह सीरियस भी हो गया, गंभीर भी हो गया और अपने डेस्क पर पत्र को पटकते हुए टिप्पणी की, क्या विश्वास है, काश मुझे भी उस आदमी पर इतना विश्वास होता जिसने यह पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, पोस्टमास्टर ने सोचा कि लेंचो का इतना विश्वास है कि वह भगवान को ही लेटर लिखना शुरू कर दिया। नाउ पैराग्राफ 13। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया आंसर द लेटर। इसलिए भगवान में लेखक के विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए, ये सोचकर पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आया और उसने लेंचो के पत्र का जवाब देने के लिए डिसाइड कर लिया। बट वेन ही ओपन्ड इट इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर। लेकिन जब पोस्टमास्टर ने लेंचो के लेटर को खोला तो यह तो स्पष्ट था कि लेटर का उत्तर देने के लिए उन्हें गुडविल, स्याही और कागज की तुलना में कुछ और अधिक चीज की आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। लेकिन पोस्टमास्टर ने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए अपना माइंड सेट कर लिया और उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। उसने खुद अपने वेतन का कुछ हिस्सा दिया और उसके कई दोस्त दान के कार्य के लिए कुछ देने के लिए बाध्य थे। इट मीन्स फ्रेंड्स भी एग्रीड थे। नाउ पैराग्राफ 14। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 pesos, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ। पोस्टमास्टर के लिए 100 pesos को एक साथ इकट्ठा करना संभव नहीं था, इसलिए वह लेंचो को केवल आधे से थोड़ा अधिक भेजने के लिए प्लान कर लिया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर दैट इज गॉड। पोस्टमास्टर ने लेंचो को संबोधित करते हुए एक लिफाफे में पैसे को पैक कर दिया और इसके साथ एक लेटर भी पैक किया जिसमें हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द लिखा और वह शब्द था गॉड। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे आप सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। नाउ पार्ट 3 एंड पैराग्राफ 15। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बीट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। अगले रविवार को लेंचो सामान्य तौर पर यह पूछने के लिए थोड़ा पहले आ गया कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया था। इट वॉज द पोस्टमैन,
himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. यह पोस्टमैन खुद था जिसने उसे पत्र सौंपा, जबकि पोस्टमास्टर ने एक ऐसे व्यक्ति की सेटिस्फैक्शन का अनुभव किया जिसने एक अच्छा काम किया है, और पोस्टमास्टर अपने कार्यालय से देखा। नाउ पैराग्राफ 16। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बीकेम एंग्री वेन ही काउंटेड द मनी। लेंचो ने पैसे को देखते हुए थोड़ा आश्चर्य नहीं दिखाया, ऐसा उनका विश्वास था, लेकिन जब लेंचो ने पैसे गिने तो वे नाराज हो गए। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड। लेंचो का मानना था कि गॉड कोई गलती नहीं कर सकता और नहीं वह मुझे 100 pesos देने से मना कर सकता जो मैंने रिक्वेस्ट किया था। नाउ पैराग्राफ 17। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत लेंचो कागज और स्याही मांगने के लिए खिड़की के पास चला गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. Public writing table पर लेंचो ने अपने फेस एक्सप्रेशन मूवमेंट के साथ लिखना शुरू कर दिया लेटर को, जिसके कारण उसे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रयास करना पड़ा। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with the blow of his fist. जब लेंचो ने लेटर लिख लिया तो वह एक पोस्टल स्टैंप खरीदने के लिए खिड़की पर गया, जिसे उसने चाटा और फिर अपनी मुट्ठी के वॉर से लिफाफे पे चिपका दिया। Now paragraph 18. The moment the letter fell into the mailbox, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जिस वक्त लेटर मेल बॉक्स में ड्रॉप हुआ, पोस्ट मास्टर तुरंत ही उसे खोलने के लिए गया। इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। जब पोस्ट मास्टर ने लेटर को रीड किया तो उसमें गॉड को एड्रेस करते हुए लिखा हुआ था कि मैंने जो पैसे मांगे उसमें से केवल 70 pesos ही मेरे पास पहुंचा। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। मुझे बाकी 30 pesos भेज दो क्योंकि मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो। लेंचो ने सेकंड लेटर के माध्यम से गॉड को कहा कि रेस्ट 30 pesos मेल के माध्यम से मुझे न भेजें, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बदमाश या फिर चीटर या फिर डिसऑनेस्ट कह सकते हैं, हैं। क्योंकि लेंचो का मानना था कि पोस्ट ऑफिस के लोग ही इनके रेस्ट अमाउंट को चुरा लिया है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उन लोग ने इनकी मदद की थी। ये क्वेश्चंस हैं जिसे भी आप सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। सो फाइनली ये स्टोरी आपकी कंप्लीट हो गई। आई होप इट वुड बी हेल्पफुल टू यू ऑल गाइस। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।